नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एक क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में कि इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत अभी हैं जो गहलोत सरकार ने बजट पेश किया था जिसके अंतर्गत 1 लाख भर्तियों का घोषणा की थी, मतलब कितनी 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी। तो 1 लाख भर्तियों के अंतर्गत प्रकरण जारी हो चुका है जिसमें राजस्थान पुलिस भर्ती है वो भी आपके शामिल है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करें तो राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आपको सीईटी का एग्ज़ाम वो आपके ज़रूर होगा। राजस्थान पुलिस में सीईटी में कितने मार्क अनिवार्य हैं, तो सबसे पहले आपको SSOID पर OTR करवाना होगा। तो दोस्तों, मतलब सबसे पहले आपको SSOID पर जाके OTR करवाना होगा, और जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, वो आपका कंप्लीट करवाना है। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद में आपकी लिस्ट जारी की जाएगी जिसके अंतर्गत उन्हीं कैंडिडेट का सेलेक्ट किया जाएगा जिनका CET का एग्ज़ाम वो पास होगा, मतलब जो उन्हीं कैंडिडेटों का सेलेक्ट किया जाएगा जिनका CET एग्ज़ाम वो पास होगा, जो उस भर्ती के लिए एलिजिबल होगा। मतलब इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, कितने गुना, 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें लिया जाएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या बदलाव है उनके बारे में बात करेंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि लिखा है कि आपके 3578 पदों पर वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, 3578 पदों पर वैकेंसी आ रही है। इसमें पदों की संख्या क्या बढ़ भी सकती है अब या घट भी, मतलब घटेगी तो है नहीं, बढ़ेगी तो अब कितनी बढ़ेगी, तो मेरे अनुसार इसमें वैकेंसियों की संख्या 500 से 600 के समथिंग बढ़ेगी। अगर इसमें बढ़ेगी पोस्ट तो 500 या 600 के समथिंग में बढ़ेगी। जैसे कि पिछली वैकेंसी हुई थी वो हुई थी 4000 पोस्टों पर, जो पिछली वैकेंसी है वो हुई थी 4000 पोस्ट ऊपर कराई गई थी, और अभी भी जो 4000 पोस्ट क्या हैं, खाली हैं अभी भी। तो मतलब अभी भी 4000 कितनी पोस्ट खाली हैं, 4000, और 3578 पर नोटिफिकेशन दिया गया है, तो आपकी मतलब 4078 पदों पर वैकेंसी हो सकती है, मतलब 500 और भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है अपन का 3578 कांस्टेबल की होगी भर्ती, लिखित परीक्षा से पहले होगा फिजिकल, मतलब इसमें पहले लिखित परीक्षा से पहले फिजिकल होगा, और फिजिकल होने के बाद में आपको लिखित परीक्षा में बैठाया जाएगा। मतलब जो अभ्यर्थी फिजिकल में पास हो जाएंगे उन्हीं की लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। और अब की बार इसमें क्या बदलाव है कि फिंगर प्रिंट के साथ आइरिस स्कैन, मतलब आंखों का स्कैन भी होगा, क्योंकि इसमें से क्या है कि फर्जी छात्र नहीं बैठ सकेंगे एग्ज़ाम में। और इसमें कितना दे रखा है, 15 गुना CET में भर्ती के लिए CET समान पात्रता परीक्षा में पात्र आवेदन 15 गुना, मतलब करीब 53,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए कितना बुलाया जाएगा, और CET में 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे, या आरक्षित वर्ग के लिए 35% अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, विभाग का नाम राजस्थान, पदों की संख्या कितनी है, 3578 पदों पर वैकेंसी हो रही है, पद का नाम क्या होगा, कांस्टेबल पुरुष या महिला, और आयु सीमा कितनी दे रखी है इसमें, 18 से 24 वर्ष, मतलब 18 से 24 वर्ष तक की आयु सीमा दे रखी है, और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई। आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम को राजस्थान पुलिस के फॉर्म लगभग अगले महीने से, मतलब अगस्त के महीने से फॉर्म भरे जाएंगे, और इस एग्ज़ाम को अधीनस्थ बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, मतलब
कौन लेगा अपनी एग्ज़ाम? राजस्थान पुलिस की वैकेंसी की एग्ज़ाम अधीनस्थ बोर्ड लेगा, अधीनस्थ बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना,